है इसका मैं आपसे मल्टीप्लीकेशन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, अभी मैं आपको टू डिजिट का मल्टीप्लाई बताऊंगी। कि आप एक स्टोरी क्रिएट कीजिए। स्टोरी क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम। शिक्षा वाली, अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये बोर्ड पे मैं हमने क्या लिखा है, जो मैंने लिखा है इसका मैं आपसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, अभी मैं आपको टू डिजिट का मल्टीप्लाई बताऊंगी। पहले तो आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था। मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन। तो अब ये बताइए, इस इक्वेशन में, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इसमें क्या रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं हम, बताइए। यस, एग्जैक्टली, आप क्या कर रहे हैं, 12 को 48 टाइम्स आप रिपीटेडली ऐड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये नहीं है कि 12 को 48 टाइम्स आप ऐड कीजिए, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसकी आप एक स्टोरी क्रिएट कीजिए। स्टोरी क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है, आपको उसको पढ़ना है, स्टोरी लिखना होती है, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। अब यहाँ पर अगर आपको एक्सप्रेशन दिया है, आपको स्टोरी क्रिएट करने के लिए कहा जाए, तो स्टोरी क्या है यहाँ पर, देखिए, अ बॉक्स कैन होल्ड 12 पेंसिल्स, पेंसिल्स हो, या अ बैग कैन होल्ड, अ बैग कैन स्टोर 12 नोटबुक्स, या अ जार कैन होल्ड 12 कैंडीज। जरूरी नहीं है मैम ने पेंसिल कहा है तो आप पेंसिल ही कहें, कैंडीज हो सकता है, बुक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे आप स्टोरी क्रिएट कर दीजिएगा। ठीक है, हाउ मेनी पेंसिल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल 48 बॉक्सेस। आई होप आपको स्टोरी क्रिएटिंग आती है, कर लेंगे। क्या किया मैंने कि एक बॉक्स में अगर 12 पेंसिल्स आ रही हैं, तो 48 बॉक्स में कितनी पेंसिल्स आएंगी, सिंपल स्टोरी क्रिएट हो गई। अब अगर आपको ये नहीं दिया होता, ऐसे दिया होता स्टेटमेंट, अ बॉक्स कैन होल्ड 12 पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल 48 बॉक्स। एक की दी है, 48 की पूछिए, एक की दी है और ज्यादा मतलब 48, एक से ज्यादा है, 48 की पूछिए, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप स्टोरी क्रिएट कर लेंगे और अगर स्टोरी दी है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं टू डिजिट नंबर का, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं टू डिजिट नंबर। ठीक है, मल्टीप्लायर इज टू डिजिट नंबर। अब मैं आपको अभी इस मेथड से बताऊंगी, फिर लेटेस्ट मेथड भी देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले हम 4 को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम 2 को, जैसे सिंपली 1 डिजिट की कर रहे थे वैसे करेंगे, 2 की इसके साथ, फिर 2 की इसके साथ, फिर 2 की इसके साथ। ठीक है, 4 2 8, 8 2 16 का 6 यहाँ लिखेंगे, 1 कहाँ चला जाएगा, कैरी में, 2 1 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए हमारा 2 की मल्टीप्लाई हमने तीनों डिजिट से कर दी है। इधर देखिए 2 की मल्टीप्लाई हमारी 4 से भी हो गई, 8 से भी, 1 से भी। अब आप 2 को देखना बंद कर दीजिए, अब 2 को मत देखिए, आप 2 वाली प्लेस की आपने मल्टीप्लाई कर दी, 2 मतलब 1 प्लेस की आपने मल्टीप्लाई कर दी, तो वहां पर एक क्रॉस लगा दो, 2 वाला प्लेस खत्म, 2 वाली प्लेस पे एक क्रॉस लग गया। ठीक, उसकी मल्टीप्लाई हो गई। आप क्या करेंगे, 4 की इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, बस 4 4 16 का 1 यहाँ कैरी में आया, 8 4 32 प्लस 1
33 का 3 यहाँ आया और 3 कैरी में, 4 वन्स आर 4 और 3 कैरी वाला है 5, 6, 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाले जो ये कॉलम्स हैं इनको ऐड कर देते हैं, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो होता है, कुछ नहीं है, 8 प्लस क्रॉस मतलब जीरो, 8 प्लस जीरो मीन्स 8। आप जीरो, कुछ बुक्स में जीरो भी लगा है यहाँ पर, कुछ बुक्स में क्रॉस भी, डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर जीरो या फिर क्रॉस दोनों लगे हो सकते हैं, मतलब 8 प्लस जीरो 8, ठीक है। नाउ 6 प्लस 6 क्या होता है, 12, 2 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी में, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 7 7 2 8 इसका आंसर है। आप देखते हैं इसका लेटेस्ट मेथड, लेटेस्ट में देखिए आपका जो मल्टीप्लिकेंड है वो 3 डिजिट है, 1 8 4, आपने 3 कॉलम्स बना लिए। अब जो मल्टीप्लायर है वो क्या है, 2 डिजिट नंबर है, तो आप रो कितनी बनाएंगे, 2 ही बनाएंगे, समझ गए, मल्टीप्लिकेंड में जितने डिजिट उतने कॉलम और जितने मल्टीप्लायर में उतने रो। नाउ सारे जो ये ब्लॉक्स बने हैं इनको डिवाइड कर दो, दो पार्ट में ऐसे डायगोनली डिवाइड कर दो, डिवाइड 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 डिवाइड, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इस 4 की इससे मल्टीप्लाई करो, यहां से शुरू करो, देखो 4 4 16 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 8 4 32, समझ गए, 4 1 4, 4 ही था तो एक कॉलम में जीरो आ गया, ठीक। नाउ 2 4 2 8, समझ गए, 8 2 16, 2 1 2। अब क्या करेंगे, अब आप इधर से देखिए ट्रेसिंग करते हैं कि हमारे क्या नंबर, ये जो आपका ट्रायंगल था इसको, इसमें एक ही नंबर है तो ये आ गया 8, फिर ये जो आपका ये क्वाड बन रहा है ये, इसमें ऐड कीजिए 6 प्लस 6 क्या होगा 12, 2 यहाँ लिखा और 1 कहाँ चला गया कैरी में, फिर ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये, इसमें 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 6, और ये कैरी का 7 यहाँ लिख दीजिए 7, फिर ये वाला जो क्वाड बना है इसमें 4 प्लस 3 क्या आएगा 7, और ये जो बचा ये तो जीरो है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जीरो होता है तो क्या होता है उसको हम एज इट इज रहने देते हैं और क्या बोलते हैं 7 7 2 8, हमारा आंसर क्या आया 7 7 2 8, और हमारा प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट मेथड से भी क्या आया था 7 7 2 8, तो आपको लेटेस्ट मेथड भी आ गया, प्रोडक्ट मेथड भी आ गया। आप देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम, नाउ सी द वर्ड प्रॉब्लम, अ वुडन चेयर कॉस्ट, वर्ड प्रॉब्लम मतलब स्टोरी दी होगी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, स्टोरी क्रिएट की थी, अब हम क्या करेंगे स्टोरी का ऑपरेशन, ठीक है। चलिए, अ वुडन चेयर कॉस्ट ₹175, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 सच चेयर, एक चेयर की कॉस्ट दे रखी है 175, अब आपको 24 की कॉस्ट निकालनी है, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई, देखिए कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू ₹175, आपको थ्योरी गिवन है तो आपको लिखना भी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 24 कर देंगे, करो मल्टीप्लाई जरा, 5 4 20 का 2 यहाँ कैरी में आया, 7 4 28 29 30 30 का 3 यहाँ आया, 4 1 4 5 6 7, ठीक है। अब हमारा 4 की हमने कर दी मल्टीप्लाई, अब हम उसकी जगह पर क्या कर देंगे, एक क्रॉस या फिर कहीं पर जीरो होगा, डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ 5 2 10 का 1 यहाँ पर आएगा कैरी में, 7 2 14 प्लस 1 15 का 1 यहाँ आ गया कैरी में, 2 1 2 प्लस 1 3, अब आप इनको ऐड कर लीजिए कॉलम वाइज 0 0, 7 प्लस 5 क्या आएगा 12 का 1 यहाँ आया, ₹4200 आपको देने होंगे 24 चेयर की कॉस्ट।
अब यहाँ पर एक चीज और लिखी है, राइट द नंबर सेंटेंस ऑल्सो। नंबर सेंटेंस क्या होता है आपको मैंने एडिशन में बताया है। नंबर सेंटेंस में क्या करते हैं, सिर्फ आपको नंबर्स को सेंटेंस की फॉर्म में लिख देना है। जैसे कि 175 मल्टीप्लाइड बाय 24 इक्वल टू 4200। बस सिंपली आपको नंबर्स को एक सेंटेंस फॉर्म में लिख देना है, एडिशन में मैम ने बताया था। ठीक, ये हुआ आज का वर्ड प्रॉब्लम्स एंड मल्टीप्लिकेशन बाय अ टू डिजिट नंबर। सो इन दिस आई टोल्ड यू द यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, क्रिएटिंग अ वर्ड प्रॉब्लम एंड मल्टीप्लिकेशन बाय टू डिजिट एंड द लैटिस मेथड। कीप वॉचिंग माई सीरीज एंड ऑल्सो वॉच पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Thank you, bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.